आप देख रहे हैं दखल न्यूज। छत्तीसगढ़ के आक्रामक बीजेपी नेता विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती और इस बार भी नहीं करेगी। भाजपा सरकार में मंत्री रहे और आक्रामक नेता अजय चंद्राकर के एक ऐलान ने सियासत में उबाल ला दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद भाजपा से कांग्रेस ने सत्ता झटक ली है। इसके पीछे कांग्रेस के 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफी के वादे को मुख्य वजह माना जा रहा है। लेकिन पूर्व मंत्री और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए ललकारा और कहा कि अगर एक भी किसान के खाते में 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का पैसा आता है तो वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। अजय चंद्राकर ने 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सरकार के 10 दिन का उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस कभी भी वादा नहीं निभाती, इस बार भी नहीं निभा सकेगी, ये 27 दिसंबर को सिद्ध हो जाएगा। कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है और उसके नेता की कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैंने बहुत बड़ी बात कही, 10 दिन 17 तारीख से 10 दिन 26 तारीख होगा किसी किसान के खाते में पैसा आ जाएगा, उस दिन मुझे बताइएगा। छत्तीसगढ़ पर 35,000 करोड़ का पहले से ही कर्ज है, ऐसे में वो कैसे हजारों करोड़ मुफ्त में छोड़ सकती है? शायद इस गणित को अजय चंद्राकर गहराई से समझते हैं, क्योंकि राज्य में महत्वपूर्ण मंत्रालय के अलावा अजय वित्त निगम भी संभाल चुके हैं। ऐसे में उनकी चुनौती को सिर्फ सियासी नहीं माना जा सकता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।